भाइयों नमस्कार। भाइयों गेहूं का सीजन चल रहा है कि कौन से किसान भाई ये असमंजस में हैं कि कौन से गेहूं का बीज लगाना चाहिए, तो आज मैं श्रीराम कंपनी के यहां पर आया हूं और ये बताएंगे कि श्रीराम के ऐसे कौन से गेहूं के बीज बढ़िया हैं जिन्हें किसान भाइयों को लगाना चाहिए और उनकी पैदावार अच्छी है, तो इनकी इसकी जानकारी टोटल ये किसान ये देंगे। हाँ जी भाई नमस्कार जी। मेरा नाम स्वतंत्र कुमार है जी। मैं DCM श्रीराम कंपनी में जी मेरठ जिले में वर्क कर रहा हूँ। अभी फिलहाल भैया आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का मेला लगा हुआ है जी, जी। तो जैसा कि आपने पूछा है कि श्रीराम सुपर 303 के बारे में बताना है, श्रीराम सुपर 5SR05 क्या चीज़ है, कैसा है जी। तो जैसा कि मैं बता दूं, श्रीराम सुपर 303 की बात ऐसी है, जो भी अग्रिम थोड़े से किसान रहते हैं वो सभी लोग श्रीराम सुपर 303 गेहूं के बारे में जानते ही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं DCM श्रीराम जी, ये जो DCM श्रीराम है, ओरिजिनल वाली श्रीराम कह सकते हैं इसे जी, क्योंकि ऐसी है जिन लोगों ने हाँ लोकल बना बना के अपना जो है 303 निकाल निकाल के जी जो है बहुत फ्रॉड कर रखा है किसानों के बीच में। कहने का मतलब वो बात नहीं ले पा रहे हैं जी। तो कंपनी ने साफ साफ लिख रखा है कि नक्कालों से भी सावधान रहें, वो इस पे आप दिखा सकते हैं जी। किसान भाई इसे वीडियो पॉज करके एक बार देख भी सकते हैं इस चीज़ को। सही बात है बिल्कुल, ठीक है जी जी। श्रीराम सुपर 303 की विशेषताएं आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको जो है बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो बालियां रहती हैं वो ठोस बालियां रहती हैं जी, और इसकी बाल की लंबाई भी जो है लगभग 12 सेंटीमीटर तक चली जाती है। और ये फसल जो है हमारी श्रीराम सुपर 303 की जो फसल रहेगी वो गिरने के प्रति टॉलरेंट रहती है, सहनशील रहती है गिरने के प्रति। इसका जो दाना है, आदमी किसान आदमी जिसने 303 ज़्यादा लगाया है वो उसके दाने को देख के पहचान लेता है। अच्छा, जैसे कि सभी लोग जानते हैं इसका बड़ा वजनदार कठोर और चमकदार दाना रहेगा जी, जो चमकदार दाना रहता है वो खाने में भी बढ़िया रहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इसका एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोगों के प्रति टॉलरेंट है, जैसे कि कई जो हमारे खेतों में रोग लगते हैं तो उसके प्रति सहनशील है, तो इस वजह से हमारे रोग भी कम लगते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गई श्रीराम सुपर 303 के बारे में। ये कितना गिरता लगता कितना? ये हमारा लगभग 40 किलो एक एकड़ में लगता है। अच्छा, और उत्पादन? उत्पादन अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम मैं 4.5 या 4 का एवरेज लेके चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, हालांकि किसानों ने यहीं पे किसान उपलब्ध हैं, 5-5.5 तक का एवरेज ले लिया है 303 से। हाँ, और लागत के ऊपर निर्भर है वो कीमत लगभग 75 रुपए के आसपास मेरे समझ से रहेगी जी किलो। किलो? अच्छा, हाँ जी। दूसरी वेरायटी और जो ओरिजिनल है वो जी? और ये अगैती पिट जाती है? इसकी एक अच्छी बात है, ये एवरग्रीन है, आप कभी भी इसे लगा सकते हैं। कभी भी अगैती भी पिछैती? हाँ जी। अच्छा, दूसरी वेरायटी कौन सी अच्छी है? इसके अलावा श्रीराम सुपर 252 भी आती है, 231 भी आती है, 272 भी आती है। इसके अलावा इनके दो बीज नए भी आए हैं, श्रीराम सुपर 5SR05, श्रीराम सुपर 3SR72, ये दोनों नए आए हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये श्रीराम सुपर 5SR05 जो हमारे गेहूं का बीज है, ये भी बहुत अच्छा गेहूं है, और किसान लोगों ने जिन लोगों ने पिछले साल लगाया है वो इसे इस तरीके से भी बोलते हैं कि भाई ये ऐसा गेहूं है हम किसी भी मौसम में बो दें और बढ़िया उपज होती है। अच्छा, हाँ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, हर मौसम में दमदार श्रीराम सुपर 5SR05 गेहूं बीज जी, ये इन्होंने इसी वजह से लिखा है। आप अगर पछेता भी इसे कर देते हैं तब भी उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको जो बीज की मात्रा है 20% बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी भी ठोस 12 से 15 सेंटीमीटर तक की बालियां रहेंगी जी, और बालियों में जो दाना रहेगा वो भरपूर रहेगा। अच्छा, इसी वजह से उपज भी आपकी बढ़िया मिलेगी। अगर हम श्रीराम सुपर 5SR05 की बात करते हैं तो इसमें कल्ले भी बहुत आते हैं जी। हाँ, कई बार जो हमारे किसानों ने भी ऑब्जर्वेशन किया है, कंपनी वालों ने भी किया है, तो 14-15 तक कल्ले गए हैं इसके जी। हाँ, हालांकि और भी जाते हैं, लेकिन मैं एक मीडियम बात कर रहा हूँ। इसका जो दाना रहता है वो ठोस चमकदार और लंबा और कठोर दाना रहेगा, बजनीला दाना रहेगा। दूसरा, ये रोगों के प्रति भी सहनशील है जी। दाने दिखाएंगे आप? दाने? और वैसे बिजाई में कितना डलता है ये? बिजाई में भी ये 40 किलो एक एकड़ में पड़ता है, और वहीं अगर हम पछेता की बुवाई कर रहे हैं तो हमारे लिए 20% मात्रा बीज की बढ़ानी है। अच्छा, हाँ, जिससे उपज उत्पादन क्या है इसका?
इसका उत्पादन 303 से भी ज्यादा रहता है। अच्छा हाँ जी, इसका 4.5 से 5 क्विंटल का भी एवरेज है जी, जो मतलब देखा गया है किसानों के बीच में। अच्छा, ये 303 और SR05 जी, ये हल्की मिट्टी और मोटी मिट्टी कैसी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी का कोई अंतर है इसमें? हाँ जी, आप देखो जी, भारत देश में गेहूं की फसल बहुत पुरानी होती आ रही है। मैं अगर बात करता हूं तो बलुई दोमट और दोमट जो है मिट्टी इसके लिए पर्याप्त है, बढ़िया रहेगी। और हालांकि आप इसे हल्की भूमि में भी इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी अगर किसान भाइयों को कोई परेशानी आती भी है तो मैं श्रीराम कंपनी से ही मेरठ डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ जी, तो मैं अपना नंबर और एक बार कंफर्म करना चाहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9627 23 8201। ठीक है भाई, धन्यवाद।